वेलकम टू अवर YouTube चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। और प्यारे बच्चों, मैं मनोज शर्मा आज आपके साथ हूं और लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स। आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में मोर लेस एंड इक्वल। तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे इस मोर लेस एंड इक्वल में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। मोर मीन्स अधिक, लेस मीन्स कम और इक्वल मीन्स बराबर। तो आइए आज हम सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, इधर हमने एक साइड लेफ्ट साइड में मोर लिखा हुआ है। मोर मीन्स अधिक, ज़्यादा, यानी कि मात्रा में ज़्यादा, काउंटिंग में ज़्यादा। ओके, तो मोर मीन्स अधिक। और लेस, लेस क्या होता है, लेस मीन्स होता है कम, यानी कि कोई भी या तो मात्रा में कम हो, नंबर्स में कम हो। ओके, तो हम इसको लेस बोलते हैं। मोर में हमारे जो भी अधिक होता है, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल लें, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ओके, क्या है बच्चों ये ट्राइंगल्स। तो कुछ ट्राइंगल की शेप में हमारे यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं। सो हम इनको काउंट करते हैं लेफ्ट साइड में, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो इधर की साइड हमारी 5 ट्राइंगल शेप दी गई हैं। अगर हम राइट साइड में देखें तो कितना है, 1 एंड 2। तो यहाँ पर केवल 2 ट्राइंगल शेप हैं। तो इधर हमारी 5 थी ट्राइंगल शेप्स और इधर कितनी है राइट साइड में, 2। तो 2 क्या है, कम है, और 5 ज़्यादा है नंबर्स में। तो मोर, ये 5 क्या होगी, 5 ट्राइंगल्स क्या है, मोर हैं। ओके, मोर में क्या जाएगा, दिस ट्राइंगल्स, और लेस में 2। ओके, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, एंड दिस वन अपनी आसानी के लिए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोनों में मोर कौन है, राइट, तो व्हाट इज मोर हियर, तो मोर शेप हमारी ये 5 है। ओके, 5 ज़्यादा हो गया क्योंकि 5 ज़्यादा होता है और 2 कम होता है ना, राइट। तो ये 2 जो शेप्स हैं वो लेस हैं और 5 जो शेप्स हैं वो मोर हैं। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड जो एग्जांपल है, यहाँ पर आपको कुछ शेप दी गई हैं। ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पर 5 सर्कल आपको दिए हैं, सर्कल के शेप है, आप देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 है लेफ्ट साइड में। अगर हम राइट साइड में चेक करें तो कितने सर्कल हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। तो 5 हमारे लेफ्ट साइड में सर्कल हैं और 3 जो हैं वो राइट साइड में है। अब आप देख करके ये बताइए कि इन दोनों में से मोर कौन से हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाले 5 हैं, तो 5 ही हमारा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाले शेप की आदत होती है मोर, अधिक। तो हमको यहाँ पर राइट कर देना है, यानी कि ये शेप हमारी मोर हैं, और जो 3 शेप हैं, 3 सर्कल्स हैं, वो हमारे लेस हैं इनसे। ओके, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर हमने कुछ स्टार बनाए गए हैं यहाँ पर। तो स्टार्स काउंट करें लेफ्ट साइड के, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 स्टार्स आर हियर। ओके, 4 स्टार्स आर हियर। अगर हम इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बात करें तो 1 एंड 2, यहाँ पर कितने स्टार हैं, 2 स्टार्स हैं। तो आपको देख के बताना है कि मोर कौन सा है, ये है कि ये है। ओके, व्हाट इज मोर हियर, वेरी गुड, यहाँ पर हमारे 4 स्टार्स हैं, तो ये जो हैं ये ही हमारे मोर हैं। तो ये मोर के एग्जांपल इधर मैंने दे दिए हैं आपको, इधर लेस वाले एग्जांपल दिए गए हैं, राइट। 2 हमारा लेस होता है 4 से, तो यहाँ पर 2 लेस में आ गया और 4 हमारे मोर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट शेप दी गई है, ओके, सो हाउ मैनी बॉक्सेज आर हियर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो 5 बॉक्स यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, एंड राइट साइड में 1, 2, 3 एंड 4।
सो 4 बॉक्सेस आर हियर. तो आप देख करके बताएं इन दोनों में से लेस कौन सा है. अगर हम लेस की बात करें तो ओके, हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेस भी पूछा जा सकता है और मोर भी पूछा जा सकता है. तो आप आसानी से बता सकते हैं लेस कौन सा है इसमें. वेरी गुड. देखिए यहाँ पर लेस हमारा राइट साइड वाला है, क्योंकि लेस मीन्स कम. कम वाला कौन सा है, यही तो है. सो दिस इज लेस. एंड अगर हम मोर की बात करते तो मोर इसमें कौन सा है, 5 वाला, क्योंकि 5 ज़्यादा होता है 4 से. और लेस की बात करते हैं तो 4 वाला लेस हो जाएगा, मोर की बात करते हैं तो 5 वाला मोर हो जाएगा. वेरी इजी. नेक्स्ट हम फिर से देख लेते हैं 10. लेफ्ट साइड में हमारा 10 है और राइट साइड में 5 है. यहाँ पर हमारे नंबर्स की बात आ गई है, तो 10 ज़्यादा होता है 5 से, ज़्यादा होता है ना. तो यहाँ पर जो 10 है वो मोर में आ जाता है, यानी कि मोर है 10, अधिक है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये मोर हो गया. और अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में से लेस कौन सा है, तो लेस कौन सा है दोनों में से, 5 लेस है. वेरी सिंपल. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इक्वल. तो इक्वल क्या होता है, इक्वल मीन्स बराबर. इक्वल मीन्स बराबर. अगर दोनों मात्रा में, काउंटिंग में, नंबर्स में अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, ओके, तो हम इसको इक्वल बोलेंगे. जैसे कि आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, हमने कुछ सेप बनाई हुई हैं, ट्रायंगल की सेप हैं. ज़रा काउंट करते हैं कितनी सेप हैं ये, 1, 2 एंड 3. यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं. अब हम राइट साइड में देखते हैं, 1, 2 एंड 3, यहाँ भी 3 ट्रायंगल्स हैं. तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल. और मैं आपको बताऊँ इक्वल का जो साइन होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है, ओके. जहाँ पर ये दो, बाकी साइड में नहीं, कि बीच की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो साइन है वो किसका है, दिस साइन इज ऑफ इक्वल, राइट. तो यहाँ पर देख रहे हैं इधर 3 है और इधर भी 3 ट्राइंगल हैं. तो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं. ना तो ये इससे ज़्यादा है और ना ही ये इससे कम है या ज़्यादा है, राइट. दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 हैं और इधर भी हमारे 3 हैं. और आपको पता है 3 आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. यहाँ पर सर्किल हमारे कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सर्किल्स आर हियर. ऐसी राइट साइड में हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, दोनों तरफ 4 सर्किल हैं. इधर भी 4 हैं और इधर भी हमारे 4 सर्किल हैं. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ओके. तो हम बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं, दिस, राइट, दिस वन इक्वल, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल, राइट. नेक्स्ट वन इज स्टार देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पर कितने स्टार आ गए हैं, 5 आ गए हैं. इधर भी हमारे कितने स्टार हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके. सो दोनों तरफ हमारे 5 स्टार हैं. तो दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, ओके. ना तो ये इससे कम है और ना ही ये इससे ज़्यादा है. नेक्स्ट हमारे जो ये बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, लेफ्ट साइड में 3 हैं और राइट साइड में कितने हैं, 1, 2 एंड 3. दोनों तरफ हमारे 3 बॉक्सेस हैं. तो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल, ओके, बोथ आर इक्वल. नाउ हियर इज 5 एंड हियर इज 5. दोनों 5 हैं, ना तो ये 5 से कम है और ना ही ये 5 से ज़्यादा है या कम है. तो हम दोनों क्या है हमारे, इक्वल है. तो दोनों के बीच में क्या साइन आ जाता है, इक्वल का साइन आएगा, ओके, राइट. तो हमारे ये इक्वल का साइन होता है, हमेशा ध्यान रखें. तो इस तरह से हम मोर, लेस और इक्वल की जो एक्सरसाइज है, हमारे क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसानी से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट. वेरी सिंपल. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज है मोर एंड लेस एंड इक्वल की, बिल्कुल सेम है. हमें मोर के, जहाँ पर मोर दिया गया है वहाँ एम लिखना है, जहाँ पर लेस दिया गया है वहाँ एल लिखना है. इतना ही करना है, एम फॉर मोर एंड एल फॉर लेस. तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कुछ नहीं करना, जहाँ ज़्यादा है
वहाँ पर m लिखना है, जहाँ कम है यानी कि लेस है वहाँ पर l लिखना है। ऐसे आपको इक्वल में करना है, ओके इक्वल जो भी आपको लगता है इस क्वेश्चन में, ओके ये शेप्स आपको दी गई हैं, जो इक्वल शेप हैं वहाँ पर आपको नंबर लिख करके और इक्वल लगाना है, वेरी ओके। इसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आप ये सभी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस बड़े आसानी से कर पाएंगे, राइट इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करें, ये सभी क्वेश्चंस इसी मोर लेस और इक्वल के बेस पर हैं। सो जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।